So, फिर आखिरी मोहब्बत कैसे हुई? मुझे बहुत इंटरेस्ट है. कहाँ मिली? क्या चीज अच्छी लगी? मायरा जो है, मायरा की क्या चीज अच्छी लगी? What attracted you towards her? Her grace, her intelligence, her values. It's beautiful. It's admirable. I mean, वो एक उसने पता नहीं क्यों मुझे एक पेडेस्टल पे रख दिया था. मैं असल में उसको पेडेस्टल पे रखता हूँ कि वो चीज़ ही अलग है. आई मीन वो पहुंचना है कोई, वो जो स्टैंडर्ड है मायरा का, इट्स मुझे ऐसे कमजोर लोगों के लिए नहीं है. मायरा मायरा बिकेम अ फ्रेंड. हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे और ये उसकी कज़न थी, तो हम लोग सलाम दो हुई, गपशप हुई, एंड वी वर फ्रेंड्स. फिर करते कराते वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. इन फैक्ट वी स्टिल आर. तो एक वक्त ऐसा आया कि हमने कहा कि यार ये तो आई मीन दिस इज टू गुड टू लेट गो. तो ढेरों बातें करते थे. बहुत, कभी इतनी नहीं की ना उसने तो कभी भी नहीं की, और मैंने भी कभी इतनी नहीं की. और फिर हम लोग है ना बड़े रैशनलाइज कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, बहुत रैशनलाइज. तो हमने कहा कि यार ये तो वी नीड टू कैरी ऑन, किस तरह करें. तो हमने कहा सोसाइटली एक्सेप्टेबल तो यही है कि निकाह होना चाहिए. तो वालदैन को बताए कि इस तरह है. तो मिले, यू नो हाउ इट इज़ इन आर सोसाइटी, फैमिलीज गेट मैरिड. तो मिले, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी. कर्नल साहब मेरे जो ससुर हैं, गॉड ब्लेस हिम एंड हिज वाइफ, कि उन्होंने एक आउट ऑफ जॉब एक्टर स्लैश टीचर को कहा कि हाँ भी ले लो दामाद. तो एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड इट वॉज लिटरली अनबिलीवेबल कि एक दिन हम लोगों की मंगनी हो रही है. तो और अब इत्तफाक से दुनिया इस तरह गोल घूमती है, उसी फ्लैट में हम दोनों रहते हैं मायरा में, जहाँ हमारी मंगनी हुई थी. एंड इवेंचुअली वी गॉट मैरिड. So that's how it was. It just had to happen, and it happened, and I'm so glad. And what happened when she got pregnant? Oh, unbelievable! Because hum logon ke liye, I'm a sucker for children. Mujhe bachchon se ishq hai. Mujhe aur bade log kehte hain ki babysitting karani ho mere ko kara do. So I really wanted my own baby eventually. और आई थिंक शादी के चार साल बाद रायान फिर पैदा हुआ. एंड व्हेन वी हर्ड, वी वर ओवर, आई मीन माय फैमिली वाज ओवर द मून. एंड व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू हेल्ड योर बेबी इन योर आर्म्स? फिनोमिनल. आई मीन आई वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू सी हिम. रायान टू डेट फॉर मी इज माय प्राइड. इज माय प्राइड. यू हैव वन और टू? आई हैव टू. यू हैव टू? आई हैव टू विद मी. सो दिस आफिया हु इज नाउ टर्निंग 4, और वो मैं समझता था कि मुझे मायरा, मुझसे ज़्यादा कोई मायरा से प्यार नहीं कर सकता. लेकिन वाकई आफिया ने सिखाया कि इश्क क्या होता है. जो उसको अपनी माँ से इश्क है, किसी को नहीं हो सकता. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट, दैट मदर डॉटर रिलेशनशिप. अल्हम्दुलिल्लाह. सो यू लॉस्ट वन बेबी? वी लॉस्ट टू. यू लॉस्ट टू बेबीज? यू हैड ट्विन्स? वी हैड ट्विन्स. व्हाट हैपेंड? इट वाज अ वेरी टफ टाइम. इन फैक्ट इज द टफेस्ट टाइम. कितने बड़े थे वो? They were just about to be born. They were ready to come, and everything was hunky dory. Or a freak incident, and they went. Or itna ek wo dramatic moment tha ke 2012 Olympics. I represented Pakistan at the Globe. Aur us high se main wapas aaya tha ke Shakespeare ka play Urdu mein, Pakistan ki numaindagi. Aur fir hum wapas aaye, aur fir betiya. Aur hamare ghar mein betiya nahi thi, na behan thi. मायरा की बहन का भी बेटा है, वेस की भी दो बेटे थे. वाज ऑल बॉयज हॉस्टल. तो इंटायर हाउस होल्ड, पूरी खानदान में खुशियां थी कि अल्लाह ने दो बेटियां और इकट्ठे. सो वी वर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड. जस्ट वन फाइन डे मायरा सेड आई फील नो मूवमेंट. तो वी वेंट, और फियर ऑफ ऑल फियर्स, तो उन्होंने कहा फ्रीक इंसिडेंट दैट नीदर ऑफ देम हैज सर्वाइव्ड. तो दैट वॉज devastating. तो वहाँ से वापस आया था लंदन से, and it was very devastating. And I think हम लोगों को, and ये बच्चियाँ कहाँ placed थी? They were दोनों बेटों के बाद. ये पहले बेटे के बाद, रायान के बाद. रायान के बाद. रायान के बाद. And we were all anticipating. And you can imagine के जहाँ हम लोग, I mean इस stage पे थे कि हम तो सब कुछ ले लिया था, cot shot सब कुछ तैयार, ready to go. गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे तीन हो जाएंगे. Instead of placing them in a cot, I was placing them in a grave. I can never forget that conversation jo maine apne bhai se ki thi, aur Ovais ne kaha tha, jab usne kaha, he was devastated. Ovais bada tough hai, bahut tough hai.
लेकिन एक्सटीरियर जितना टफ है उतना ही नरम अंदर है. तो ही सेड ओ माय गॉड यू हैव टू बैरी देम. जब वो कहा ना तो आई वाज शैटर्ड इनसाइड कि ओ गॉड. एंड फिर आई हैड टू होल्ड माय सेल्फ कि अभी नहीं होल्ड माय सेल्फ, अभी बड़ा कुछ करना, अभी ये चीज़ें फॉर्मेलिटीज यू नो द थिंग्स. और मैं ही भाग दौड़ कर रहा हूँ, पीपल केम इन, अम्मी कर्नल साहब एवरीवन, दोस्त आ गए. और मायरा से मैंने कहा था ये क्या करना है, शी सेड आई डोंट वांट टू गो होम इन दिस कंडीशन. लेकिन ऑब्वियसली उसको फिर सीडेट करके फिर सब होना था. तो एज इफ हमारे इंस्टिंक्ट था, बड़ी मॉर्बिड बात करना, इंस्टिंक्ट था कि माँ को नहीं दिखाना, जस्ट बैरी देम, यू नो. जब बेरियल के लिए गए देन आई डोंट नो एनी कंट्रोल, आई जस्ट आई ब्रोक, आई कंप्लीटली ब्रोक विद my father-in-law there, his brother there, my two best friends there. And that action of literally doing that was devastating. And I don't know where someone said, I think Majid sahab, my boss, mere ek boss the, unhone ek dafa koi baat kahi thi jab mere cousin ke sath ho raha tha bada kuch, to unhone kaha tha ki yaar, no father, no parent should ever have to bury their child. No. Aur wo kaifiyat jo hai wo Allah na kare kisi ke upar guzre, lekin wo hi bayan kar sakta hai jiske upar guzri ho. एंड खैर वो क्लोजर उस तरह का था, लेकिन खौफनाक बात मैं कहने लगा कि माओं को देखना चाहिए, अपने उन बच्चों को के साथ वक्त गुजारना चाहिए. बेशक ये साल में थे, मुझे तो फिर भी किसी हद तक क्लोजर मिल गया. माँ को नहीं मिला, शी वेंट थ्रू हेल एंड केम बैक. और ये गलत है हम लोगों के, वही मैं कह रहा था हमारे जो विजडम्स हैं हम लोग उससे थोड़ा हट जाते हैं. मुझे तब जाके ख्याल आया बड़ी चीज़ों के बारे में. एक तो सबसे पहले सबमिशन, आई लर्नड व्हाट सबमिशन मींस. मैं उस हॉस्पिटल के यहाँ नमाज पढ़ते हुए सजदे में सुभान रब्बी अलाला तो नहीं कह रहा था, आई वाज जस्ट सेइंग गॉड आई सबमिट, आई एम नथिंग, हम लोग कुछ नहीं, आई सबमिट, जो है मेरे इख्तियार में नहीं है, आई सबमिट, जो भी है मुझे इसे गुजरना है तो बस गुजार दे, हेल्प मी एंड हेल्प द वंस लाइक मायरा. दूसरा मुझे ख्याल आया छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग करते हैं कस्टम्स में, उनकी ऐसा लॉजिक है कोई यार. हम बार बार पूछना किसी से क्या हुआ, इस कथार्सिस, इट्स एक्सेप्टेंस कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, बार बार कहने से उसकी ज़रा जख्म थोड़ा कम होता है, गायब नहीं होता, अभी भी आंख नम होती है लेकिन कम होता है. शक्ल देखना, बिल्कुल चेहरा दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है. मैं तो कहता हूँ कि इसमें कोई ऐब नहीं है कि ख़वातीन जाएँ दफनाने के लिए, एज लॉन्ग एज कोई हर एक तमाशा ना करे, एक अदब के साथ. तो कोई नहीं करता, वो तो पुराना जमाना, वो जमाना था, वो लेकिन और जमाना था. अच्छा, रोना बहुत अहम है, कौन कहता है नहीं रोना चाहिए, स्टूपिड कैथारसिस है, एंड यू मस्ट हैव दैट. तो खैर ये बनाया गया आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे तो आप फट जाएंगे. हम इंसान हैं, हमें एहसास करना है. जब एहसास निकल गया, और मैं फिर घुमा के तालीम की तरफ लेके आऊँगा, जब हम सिर्फ कहेंगे कि इसको डेवलप करना है इल्म ने, और इसको हमने नहीं रखना, ना रूह को ना दिल को, तो हम मशीन बना रहे हैं बच्चों को, इंसान नहीं बना रहे. हमारी जो है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, ये सारी चीज़ें इंसान बनाती हैं. तो हमें एहसास करना है, और जो वो कहते हैं फखर भाई कहते हैं, दी ओनली वे थ्रू इज द वे थ्रू, गुजरना है तो फिर गुजरना है और एक्सपीरियंस करके. तो आप दोनों मियां बीवी इस हादसे से निकल कर बाहर आए, तो आप में क्या बदलाव था, क्या बने आप दोनों? Because we became stronger together. ये मेरे ख्याल से और वाकई अंदाजा हुआ कि कहीं भी जा सकता था, घर टूट जाते. हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कितने लोगों के टूटे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है we came out stronger. और कुछ नहीं तो सीमा जी, एहसास हो गया कि मसला होता क्या है. अगर रोटी ठंडी मिले तो कोई गिला नहीं होता, यू नो, यू एक बैरोमीटर सेट हो गया कि ये है मसला. तो जैसे मायरा और मैं शादी के बाद हम लोग इंग्लैंड गए, तो हम लोग एक रोलर कोस्टर पे चढ़ गए, ओब्लिवियन, वर्टिकल ड्रॉप डाउन. तो जब उसके बाद मायरा को मैं कहता यार, यू पास ओब्लिवियन, यू कैन पास एनीथिंग, दिस वॉज आर ओब्लिवियन, वी पास दैट. तो फिर एक ज़रा टफ हो गया कि यार दिस टू शैल पास, एवरी अदर और आए मसले बहुत आए, ऐसे भी गुजर लेंगे इंशाल्लाह. बट इट हैज़ बीन वेरी काइंड दैट वेंट, खैर गॉड हैज़ बीन सो काइंड, वी गॉट आफिया, वी गॉट आफिया विद दिस नाउ, सो व्हाट कुड बी बेटर.
इतना प्यारा रिलेशनशिप है ये बच्चों का और माँ का और बाप का, और स्पेशली बेटी का और बाप का. यस, लेकिन मुझे मुझे इस रिलेशनशिप में बड़ी मेहनत करनी पड़ी है. अच्छा. क्योंकि वो तो माँ की आशिक है. हाँ. अभी मायरा गई रही है 25 दिनों के लिए दूर, तो मैं और बच्चे. ओह, तो, तीनों. यस, सिर्फ हम तीनों हैं और इनकी सारी ड्यूटीज ये वो. तो उसमें अल्लाह ने बड़ा मौका दिया कि मैं जरा आफिया को जरा घेरे अपनी तरफ. अब मैं जा रहा हूँ. तो क्या कर रहे हो उसे घेरने के लिए? जस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम. वही आपने कहा, तभी कोई भी चीज करवानी हो ना, थिंग्स आर नॉट रूटीन, थिंग्स आर स्टोरीज फॉर मी. दांत अगर ब्रश करने तो गंक एंड स्पाइक की कहानी होगी कि वो गंक अंदर चला गया, ओह माय गॉड, वो कहां दे, स्पाइक वहां जाओ, स्पाइक बचो बचो, एंड देन हाइड एंड दे गेट आउट. फिर आखिर में जब हो जाता है तो एक नारा होता है मन दोनों का, क्या, गंक एंड स्पाइक टेक अ हाइक. तो कभी बच्चे बड़े ने कभी ये नहीं कहा कि अब बस कर दे? नहीं नहीं, अब उसी से तो शुरू किया था मैंने. उसे शुरू किया था वो है. हाँ, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है उस उम्र पे कि इट्स अनकूल, लेकिन उस आई एम सो ग्लैड रायान इज माशाल्लाह इज वंडरफुल चाइल्ड, ही स्टिल कीप्स हिज चाइल्ड अलाइव. तो वो आफिया के साथ बच्चों वाले खेल खेल रहा होता है. 7 साल का फर्क है, लेकिन वो दोनों लगता है जैसे हैं.